Hello, good evening and welcome to इधर बैठिए चलिए. Hello, good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. अरे इसमें हंसने का क्या बात हुआ है अब? ऐसी चाइनीज प्रेजेंट्स. आपको मैंने पहले भी कहा था जोक सुना करे, पढ़ पढ़ के खुद हंसते रहते, हमें पता नहीं चलता अब. हा हा हा. चलिए कल का बचा हुआ खेला शुरू करते हैं. खेला शुरू करने से पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने मेहमानों का, जोरदार तालियां. थैंक यू थैंक यू. तो खेला चालू करते हैं. That was a joke. खेला शुरू करते हैं. ये रहा आपका, ये रहा आपका और ये रहा मेरा. रुके, धतूरा खा के आए हैं का? ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ? दिवाली का टाइम है, ताश तो बनती है. क्योंकि तीसरे बादशाह हम है. That was another bad joke. तो खेला शुरू करते हैं. कारो खेला शुरू, कब से खेला 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 शुरू शुरू लगा रखा है? तेरे क्रिकेट की बॉल. सबसे पहला सवाल आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, 200 करोड़ रुपया के लिए. दो सौ करोड़ आपका अब्बा हुजूर भी कभी देखा है जिंदगी में? तेरी लिट्टी का चोखा. दिवाली का टाइम इसलिए फ्लो फ्लो में ज्यादा बोल गए. तो सवाल ये रहा, आपकी फिल्म सिंघम रिटर्न में सिंघम रिटर्न क्यों होता है? ऑप्शन ए कि सिंघम की गन देव ले गया था, या ऑप्शन बी आगे यू टर्न का बोर्ड लगा हुआ था, ऑप्शन सी गर्मी बहुत थी, या ऑप्शन डी सिंघम चार्जर घर पे भूल गया था. भाई मुझे भूलने से एक शेर याद आया है. वाह, इनको भूलने से याद है, हमें याद आने से भूल जाता है. ओके, पढ़ा है शेर मैं खड़का देता हूँ अपनी किताब पिद्दू की रोमानी शायरी से. भाई पहले किताब दिखाइए, कौन सी है ये? पिद्दू की रोमानी शायरी है भाई जी. भाई चैन चुराया मेरा. मेरे ख्याल से उनको बदबू आ रही है, शायद आप प्याज खा के आए. चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी. वाह, चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी. चैन चुराया मेरा, नींद मेरी लुट्टी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी. इधर ही हमारी कुर्सी बैठी, उधर हमारी कुर्सी टूटी. इसी बात पर हम भी एक शेर मारना चाहेंगे. अरे तू तो किसी को भी मार सकती, तू तो इंजन मार दे. ले लीजिए, हमारी तरफ से हम एक शेर मार रहे हैं. मारो भी मारो. वाह भाई वाह, इतना प्यारा शेर को मार दे. चुप शेर को बच्चे, कौन कहता है शत्रु शेर से डरता है? ये देखो क्या. हम भी शेर मार सकते हैं. ये ला, ये ला. भाई क्या शेर मारा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर मारा है. कजोल जी मैं कहता हूँ भाई इसको आप कैच कीजिए. आहा भाई वाह, आप इनको दीजिए. वेरी नाइस वेरी नाइस, आप इनको दीजिए. पास कीजिए पास कीजिए. ये हो कर आए, आप मेरे को दीजिए. आहा लो पकड़ भाई. भाई मैं ये शेर बड़ा अच्छा है तो मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा था मार्केट में. नया और आप भी इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी. ठोको जी. अजय देवगन जी सवाल का जवाब दीजिए, सिंघम रिटर्न क्यों हुआ था? मेरे हिसाब से सारे चारों के चार सही थे. बिल्कुल सही जवाब. आप जीत चुके हैं और आपको मिलता है ये चेक. ये लीजिए चेक, इसको बड़े कॉलर में बनवाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा. बहुत शुक्रिया.
काजल, आपको मिलता है दिवाली पे ये पटाखा। फुलझड़ी हम आपको देंगे, शायद अभी हमारे बजट में नहीं है। इको फ्रेंडली पटाखा जो अंदर से खाली है, इसीलिए तो पोल्यूशन फ्री है। अरे पॉल्यूशन फ्री होगा ही, जल चुका है, कैसे जलेगा ही, नहीं तो पॉल्यूशन फ्री होगा। तेरे कान का मैल। अरे कहा है। अगला सवाल पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, फूल और कांटे में पत्तियां क्यों नहीं थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पत्ती बकरी खा गई। अरे आप फंस गए हैं, घूम लीजिए थोड़ा, घूम लीजिए। ऑप्शन बी आदर्श, शाबाश। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पत्ती बकरी खा गई, ऑप्शन बी मालिक छुट्टी पर था, ऑप्शन सी पत्ती किसी ने चाय में डाल दी थी, या ऑप्शन डी पत्तियां थी मगर उनका क्रेडिट नहीं मिला। हेलो, ठोको भाई, ठोको ठोको। हाँ जी, हाँ हाँ, क्रैक क्रैक क्रैक, हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, आंधियों से लड़ेगा, चोलों पे चलेगा, तूफानों से भिड़ेगा, डार्लिंग ट्रैफिक बहुत है, मैं कल आऊं तो चलेगा? मेरी वाइफ का फोन था। देखिए अजय जी, काजोल जी, आप एक काम कीजिए, आप ऑडियंस का ऑनियन ले लीजिए। तेरे राणा का डग्गू भाती, ऑडियंस का ओपिनियन होता है, ऑनियन नहीं। अरे ओपिनियन तो हर जगह फ्री में मिल जाता है, ऑनियन आजकल बहुत ही महंगा मिलता है, वो ले लीजिए, बेहतर रहेगा। अरे देखिए, बहुत ही काम का चीज भी है, इसको ऐसा बगल में डाल लीजिए, लू नहीं लगता। और मुंह में डाल लो तो कोई पास नहीं लगता। फालतू बकवास कर रही है। फोन फ्रेंड करें? जी बिल्कुल, फोन फ्रेंड करते हैं। फोन लगा, मैं किसका लगाऊं? राम से मेरा झगड़ा हुआ था, शाम मेरे का मुंह नहीं लगाता। शकाल और जब सबसे झगड़ा हुआ, जाए तो जाएगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। हा हा से गाइए भाई। मैं गाता हूँ, देखो भाई, मैं गाता हूँ। कई लड़कियां आती हैं भाई, कई लड़कियां जाती हैं। रुके 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 रुके, रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, इसमें हाँ कहाँ है? हाँ, ये ले है, आ गया। कई लड़कियां आती हैं भाई, कई लड़कियां जाती हैं, मगर बिना टिकट के बहुत कम लड़कियां पकड़ी जाती हैं। थोको भाई, थोको। तो सवाल था कि फूल काटने में पत्तियां क्यों नहीं है। जवाब हाँ। दीजिए अजय जी। फोन फ्रेंड किया हमने? फोन उठा, एक सेकंड, मैं अपने दोस्त को फोन लगाता हूँ। शेनू, हाँ, हिम्मत है तो फोन उठा। नहीं उठा रहा, जब चटनी के, चलो बताइए फूल और कांटे में पत्तियां क्यों नहीं थी? अभी ये तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा, चलो। मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझे नहीं आता, तो टाइटल चेंज कर देते हैं, फूल कांटे और पत्तियां। बिल्कुल सही जवाब। चलो, आपको मिलता है ये इनाम, ये बोतल मैंने रात ही को खाली की थी, आप इसमें रॉकेट चला के हिश हिश एंजॉय करते आते हुए ले जाइए। आप यहाँ पर इनाम में सबको बोतल दे रहा है, पटाखा दे रहा है, पैसा तो देते नहीं, और खेल का नाम है के भैल करोड़पति। तेरे पटाखे की दिवाली, चुप। के भैल करोड़पति मतलब ये भैल करोड़पति। हमारे शो में सिर्फ करोड़पति लोग खेलने आते हैं। अजय जी और काजल जी, ये रहा आपका अगला सवाल पर 3 करोड़ रुपए के लिए। रुक तेरे बाप का कीबोर्ड, रुक, पहले सवाल पूछने दे। तो ये रहा 3 करोड़ रुपए के लिए अगला सवाल। हाँ भाई। काला खट्टा कितना खट्टा होता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इतना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। आइए। हमारा तो एक
ये सुन के हमारे मुंह में पानी सा आ गया। तेरे नील के नितिन का मुकेश हट। तो सवाल था कि काला खट्टा कितना खट्टा आता है, आपके ऑप्शन ए बी सी डी दोनों आइए। मैं बताती हूँ जी। जी काला खट्टा। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत जाती हैं 150 किलो का नेकलेस। औरत ये रही नेकलेस औरत, ले जाइए। लड़कियां कितनी खुश हो रही हैं इस बात में। आपके शत्रु का घन का तरीका हुआ बात करने का, ऐसा बेइज्जती करते हैं। गला भर गया है। झूठ बोल रही। गला कहां से भर गया? बोले मेरा थैला भर गया। ओ भाई इस बात पे तू उदास हो गई है ना तू। मैं अपनी किताब पिद्दू की उदास शायरी से एक शेर सुनाता हूँ। उदास शायरी। लो भाई, चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। चांद सिफारिश करता जो हमारी देता जो तुमको बता। आगे आगे। चांद ने सिफारिश करी नहीं ना, फिर आगे क्या बताऊं मैं। चांद ने सिफारिश करी नहीं। अव्वल दर्जे का बकवास शेर था ये। ठोको फिर ठोको। चलिए आपका सवाल है 5 करोड़ के लिए कि सन 1990 में। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप पहले सवाल सुनिए। सवाल सुनिए। एक तो हमारा ये तंग करी जा रहा है। देखिए 1990 में अजय देवगन की कौन सी फिल्म आई थी? ठीक है। फूल और कांटे कब आई थी? 91 में। ओ, एक साल पहले आई थी। एक साल बाद आई थी। तब क्या हो रहा था 1990 में? क्या हुआ था भाई? शूटिंग चल कुछ नहीं हुआ था। नहीं, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। मैं एक बात समझता हूँ। देखो भाई, इस बात पे तुम बार बार छेड़ते टीचरबाजी करते रहो तो उसी बात में मैं कहना चाहूंगा, आताबाजी सटली। आताबाजी सटली भाई। रमेश, ये इनका डायलॉग है। अच्छा, ये इनका है तो लभी ठोको भाई ठोको। ये उनका डायलॉग है। अच्छा भाई खामोश, तुम ऐसे नहीं हटोगे। लोगों का डायलॉग बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। बोल, पहले मेहमानों को भेज दूं फिर तुमसे बात करता हूं मैं। बात सुन, मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। लेडीज के सामने लड़ना अच्छी बात नहीं, उनको विदाई करके तुम्हारी लेडीज की बात नहीं कर रहा। तो एक बार काजल जी के लिए जोरदार तालियां। तो मैं काजल जी को छोड़ के तो जोरदार तालियां। एक मिनट, मैं भी छोड़ के आता। कमाल है, आपका हम पे भरोसा नहीं? नहीं। मेरे चलो। मेरे सौ के तेरे कितने? 10 चक्कर और जॉगिंग। 10 चक्कर? मैं थक गई हूँ जॉगिंग कर करके, मैं सोने जा रही हूँ। वो तो आप पत्ते खेल खेल के थक गई। पत्ता खेलना मुझे आता ही कहाँ है, मैं तो सिर्फ पत्ते बांटने जाती हूँ। और नानी जितनी तुम्हारी उम्र है तुम मंदिर में प्रसाद बांटो, पत्ते बांट रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? और सर आप मेरी परेड क्यों करवा रहे हैं? मैंने तो आपको सुबह सुबह चाय भी पिलाई थी। चाय और गर्म पानी में फर्क होता है चंदू। हैं? सर आपको गर्म पानी मिला? फिर बोलो। ये फिर नानी की करामात है, ये तो चाय में से भी दूध चुरा लेती है। और ये तो टूथपेस्ट में से घी निकाल लेता है। और टूथपेस्ट में नमक होता है। उनके होता है जो बाजार से भरा हुआ खरीदते। सिद्धू साहब, ये तो सड़क पे खाली पड़ा हुआ ट्यूब होता है ना, वो उठा लेता है, बाद में उसमें घी भरता है, साल भर इस्तेमाल करता है। पुचक 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 कंजूस कहीं का।
मैं तो चलो भाई टूथपेस्ट से घी निकालता हूँ ना, ये तो लोगों की किडनियों में से पथरियां निकाल निकाल कर घर का बाथरूम पक्का करवा रही है। और ये मेरे मोतियाबिंद में से मोती चुरा रहा था, मेरी आंख जाते जाते बच गई। अच्छू चलो शुक्र करो कुछ बचा सही, ये तो कुछ भी नहीं छोड़ती। पाजी गन्ने की रस की मशीन होती ना, उसमें जो नींबू निकलता ना उसमें भी हवा भर कर बेच देती है। और ये गुलाब जामुन में से गुलाब चुरा लेता है, बोलो। और ये बर्फी में से बर्फ चुरा लेती है ये। बंद करो बकवास वरना मैं गन निकाल लूं। सर आप माफी दे देंगे? मुझे भी। चलो सूर्य नमस्कार लगाओ। सूर्य सूर्य तो निकला नहीं, नमस्कार किसको करें? लेट के सूर्य नमस्कार लगाओ। इस उम्र में लेट के नमस्कार करवाएगा, कहीं मेरे नाम के आगे लेट लग गया तो। फिर बकवास बंद करो जी, मुड़ो और जाओ। ओहो क्या ब्रो, अरे पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी आइए आज खुल के बातें करते हैं। पहले कौन सा बंदों के बातें कर रहे थे? पहले नहीं, पहले मैम भी थी, आपसे काफी बातें थोड़ी सी पेंडिंग रह गई थी। मेरे कुर्ते के लिए जोरदार तालियां। और आज लाल नहीं है। हाँ जी पाजी, उसने बड़ा हालत खराब कर दी थी मेरी, पिछली बार ट्रेन रुक गई थी। पाजी आज क्या खा के आए? आज आज वन लाइनर पे वन लाइनर आ रहे। अजय पाजी का ये कहना है कि फिल्म में कास्टिंग के ऊपर इतना खर्चा नहीं आया जितना प्रोडक्शन के ऊपर आया। तो पाजी आपकी होम प्रोडक्शन है, काजल मैम भी को प्रोड्यूसर है, तो मतलब आपको होम प्रोडक्शन के पैसे नहीं मिलते? बिल्कुल, इस फिल्म में नहीं लिए। इस फिल्म में आपने पैसे नहीं लिए? एक्टर के लिए भी नहीं लिए और डायरेक्टर के भी नहीं लिए। अच्छा, तो लेने किससे थे? हाँ लेने किससे? अपने आप से। अच्छा एक्चुअली पाजी मैं कुछ चीजें एक बड़े भाई होने के नाते जानना चाहता हूँ। मेरे को भी सर प्रोड्यूसर बनना है आगे चल के। इनफैक्ट बहुत जल्दी आपको आप बड़े भाई हैं। नहीं। ऐसे ही एज ए प्रोड्यूसर कुछ चीजें जानना चाहता था। पाजी कभी ऐसा हुआ कि पैसे बचाने के लिए हर प्रोड्यूसर को बजट कंट्रोल करना पड़ता है? जैसे विलन का काम भी 6-7 दिन का बाकी है, आपने 5-6 दिन पहले गोली मार दी हो कि चलो बाकी दिन का खर्चा बचेगा। ये तो मैं कर देता लेकिन पर डे पे नहीं था, मतलब उसने पूरे लेने जितने लेने हैं। भाजी कभी ऐसा भी हुआ है एज ए प्रोड्यूसर, थोड़े से ऐसे एक दो क्वेश्चन हैं, कि खुद की गलती हो, बाप आप एक्टर भी हैं फिल्म में, खुद ही की गलती हो लेकिन आपको लग रहा है शिफ्ट बढ़ रही है तो ओके कर दो, मतलब थोड़ी ऐसी चलता है? ना ये नहीं होता, बस ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, ये चीज़ अच्छी है, काम के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल। भाजी आपके पास 300 से ज़्यादा जोड़ियाँ हैं जूतों की? लेना देना क्या है? नहीं, नहीं। पैसे 2-4 जोड़ियां दे दो, मैं रिपीट बड़े करता हूं सर। अब मैं भी बहुत रिपीट करता हूं। नहीं वो रिपीट पर 300 जोड़ियां ना बाजी, कब किसी की बारी आती होगी? रोज भी एक पहनो तो एक साल तो निकल गया। आपका वो हाल है जो पहले राजा महाराजों की कितनी सारी बीवियां होती थी ना, 365 बीवियां, मतलब ऐसा होता ना बाजी। तो कम से कम बीवियों और जूतों में बहुत फर्क है। नहीं नहीं फर्क की बात नहीं कर रहा, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। नहीं अगर चॉइस की बात है तो फिर 300 बीवियां बेटर है ना। आदमी 300 जूते क्यों रखेगा? हाँ बाजी ऐसे बाजी किसी ने आपकी टीम में से बताया था, आप कोई कहता है कि आप पहले जूते पहनते हैं और उसके बाद से पैंट पहनते हैं, मतलब आपको जूतों से बड़ा लगाव है, ये सही बात है बाजी? ये हो ही नहीं सकता, पता नहीं ऐसे खबरें सुनी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर लें कि अफवाहें तो नहीं है कहीं। एक काम करें दोनों ट्राई करें जूते पहन के पैंट पहनने के। मैंने आज ना थोड़ा टाइट वाला पहना है बाजी। मैंने भी आज थोड़ा टाइट, मेरा चोंच में हट जाएगा। पाजी फिल्म शिवाय में अजय पाजी के शिवाय और भी लोग हैं, वर्ड प्ले के लिए आप सबकी दाद चाहूंगा। मैंने थोड़ा सा किया कि इनके सिवाय और लोग भी हैं, किसी ने नोटिस नहीं किया उसके लिए भी शुक्रिया। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच पहले उन्हें बुलाऊंगा जिनको हमने बाहर से इंपोर्ट किया है। एरिका विद उनका सरनेम है, वो खुद ही बताएंगी, और एबगिल। Hi.
I'm good, baby. You're looking so pretty. Thank How are you, you. Erika? सब ठीक है, शुक्रिया. जिनको हिंदी नहीं आनी चाहिए उनको हिंदी आती है, जिनको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए उनको इंग्लिश आती है. अभी तो मेरे से नाम ही नहीं लिया गया रीका का, अभी तो बातें शुरू होंगी. प्लीज हैव सीट्स. प्लीज हैव सीट्स. एरिका, यू आर वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. एंड दिस लिटिल गर्ल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल एरिका, आई वॉन्ट टू नो योर फुल नेम विद योर सर नेम. एक्चुअली आई वॉज अनेबल टू प्रनाउंस द होल. I'm unable line. To pronounce it either, so it's super difficult. But may I know what's the full name, actually? Are you going to repeat? Yes, he should repeat. Exactly. I will try my best. Erika Marta Karkuszewska. Go ahead. No. Not with home address. Just name. Erika. मार खा के निकल जा. अच्छा, अभी मैंने पीछे भी पूछा था इससे, इसने थोड़ा छोटा बताया था. When I asked you backstage, you told some little line. I added my middle name to make it a little bit more fun. But do you want Sorry. Me to die? Sorry. Then please, can you please once? Okay. There is a very very strong reason behind me making it shorter for you with Erika Kar. But if you want the full, Erika Karkuszewska. You want half a full? Let's change the topic. That's half. That's half of what you could get. Erika. Erika. Karku. That's a very good muscle exercise. Erika, agar audience mein se koi bhi bataye, main usko phone dunga aaj. But seriously. Yeah, kitna awesome hai. Achha, only in one go repeat. She'll say it once. Theek hai. And you all will have to repeat it. Yes, in one okay. Go. Fine. So, pehle haath khade kar dijiye ek baar. भर्ती शुरू हो गई, उसके बाद कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा. जी एक, जी और एक दो इस तरफ से. जी हाँ जी, तीन चार पांच छह, एक दो तीन 100. Yeah, it's growing pretty fast. Hey, बेबी डॉल में सोने दी मैंने देखी पहली बार आज. यू नो देयर इज सॉन्ग इन इंडिया, बेबी डॉल में सोने दी. इट मींस बेबी डॉल मेड ऑफ गोल्ड. Same Thank here, you. Yeah. So today I realized that I saw, I'm watching Baby Doll live. What? I didn't know. You are a doll and you are a baby doll, Sonidhi. Okay. Yes. yeah. Yes. Erika, can you please repeat your name for him? Because. Sirf ek bar. Huh? Sirf ek bar. You have to say only once, then he will repeat. Wo Hindi mein bol rahi tu, English mein bol raha hai. Yeah. Acha, haan. लो जी, आज पता चलेगा अभी इंडिया में कितनी साक्षरता है. ओके. आप ऐसे क्यों हो रहे हैं? स्पेलिंग तो उतने साफ दिखेंगे आप. यस ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? सात. एक बार बोलेंगी एरिका. यस एरिका. ओके. एरिका कार्कुशेव्स्का. एरिका कार्कुशेव्स्का. एरिका कार एंड पुशअप्स, तुमने बीच वाला खा लिया. नो इनको दूसरा. हाँ जी, एरिका कार कुशअप्स का. ब्रावो. एक सेकंड, देखो. वंस मोर फॉर मी. एरिका कार कुशअप्स का. अच्छा, अभी नहीं कहता, अभी नहीं. नहीं. You know, the first one was fluke. Yes. I know my country people. cancel. हाँ जी. ये जो कान आगे करके सुन रहे थे. आपने सबसे ज्यादा बार सुना. Yes. Technicolor. Erika Karkuszewska. Bravo. Lava. बहुत अच्छा. दोबारा चौथा नंबर कपिल का. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ. चेकोस्लोवाकिया देखा आपने? कजाकिस्तान से होते हो, अफगानिस्तान से पीछे जब जाओ, अब बोलो. एरिका कार्कुशेव्स्का. सर, दूसरी बार हर बंदा, ये पहली बार इन्होंने दिमाग में रखा हुआ. कार्कुशेव्स्का. कुछ नहीं, उनको आगे दीजिए. मैं नहीं मानता जब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा, मैंने नहीं देना मोबाइल. सर, आपको कभी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, कभी नहीं मिलेगा मोबाइल. चलिए. यस.
एरिका कारकुसेफ का राउंड सॉरी मैं बोलता हूं रॉन्ग मैं बोलूं दोबारा बोल मेरे भाई को दूसरा मौका देना पाजी मैं बोलूं पाजी आपके फोन की कमी है हां पहले तो यहां से हाथ उठाओ स्पेलिंग यहां से नहीं निकलने वाले आप हां मुंह से बात कर रहे हैं हम आपसे मुंह से बात कर रहे हैं यस कपिल चलिए जी एरिका कार कुर्सफिश का बहुत अच्छा पता ये नाम उनकी कंट्री में जाके लोगे ना वो फिश सूप लेके आ जाएंगे सामने अजय देवगन जी खड़े हैं बैठे हुए हैं थोड़ा नर्वस सी हो रही है अच्छा नर्वस है तो बैठिए तो खड़े होते तो नर्वस नहीं होते आप मुझसे नर्वस हो रहे हैं आप देख जो है ना शरीर मेरा कांपने लगता है ऐसा ठीक है काम कर अभी बोल नो सर नहीं सर ऐसा नहीं सर मैं He's saying sir, he's I know, no. I know. You understand? Sir, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए मैं मुड़ गया ना अभी आप बोलो नाम ओके एरिका कारकुशेव्स्का हाँ हाँ चलो 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 एरिका कारकुशेव्स्का ओह ब्रावो वेरी गुड थैंक यू मैंने सुना ही नहीं बोल दिया मैं बार बार मत बोला फिर गलती कर लूंगा मैं एक बार और लेना पड़ेगा नहीं 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 पाजी मेरा ध्यान नहीं 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 बोला 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 चलो एक एरिका मैम से पूछ लीजिए ना तेरा लेफ्ट साइड वाला बंद है नहीं नहीं बोला 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 नहीं नहीं ए पाजी चलिए मैं मानता हूँ कि बोला है लेकिन एक बार तो वो भी सही बोल गया था एक बार वो अपने जिनकी हलवाई की दुकान वो भी बोल गए थे आपका एक बार वाला मैंने नहीं सुना हाँ एक बार और प्लीज एरिका कार कुशफेश का सॉरी सॉरी एरिका कारों का फेस्टिवल कुछ नहीं नहीं कोई नहीं नहीं मैं नहीं देने वाला मोबाइल नहीं नहीं सही है तू करेक्ट है थैंक यू सर लव यू सर थैंक यू ब्रदर एरिका एक्चुअली वेयर आर यू फ्रॉम बेसिकली बाबा लेट मी स्पीक क्या हाँ लास्ट 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 तूने बोला था क्या एरिका आई हैव ऑन कार क्यू शेफ्स का And you know, when we started this topic, na, from that time he's rehearsing inside. आपकी आवाज आधी इतनी बुलंद है ना माइक में मेरे को सुन रहा था अंदर अंदर बोल रहे थे आप. शेफ्स का. You practice too much. I saw you do. Practice is his habit because he is one of the best cricketers we've had. You know his voice is so powerful when he's speaking in his mind only. Then also vocals comes out. I heard he was saying. What? Kosir kiska arka. Acha. Ab tu. Oh, new instrument. Ek minute. Tu ab patli gali se mat nikal. Ji. Tu bol ke dikha. Dekho. Kehte hai ki satya ke marg pe chalo. मैं गिल्टी हूं मेरे से नहीं बोला गया मैं माफी चाहता हूं नहीं तो बहस बढ़ाने का फायदा नहीं मजा नहीं है इसमें कोई मजा नहीं देखो भाई अच्छा ट्राई प्रोनंसिएशन हां एरिका क्लाशनकोफ एरिका जा होल व्हीट पास्ता पीछे पीछे सारे बोलते हैं एरिका इसका ओके लेट्स चेंज द टॉपिक ए नया इंस्ट्रूमेंट बजा रहा दोबारा मजा आया सुन के वेरी नाइस निकल गया पतली गली से बेसिकली वेयर आर यू फ्रॉम एक्चुअली ओरिजिनली अच्छा जब आदमी को सेंटेंस नहीं मतलब हाथ ज्यादा चलते हैं आई मीन वेयर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम पोलैंड आई वाज बोर्न इन वेस्टर्न बर्लिन ओह मतलब सो मच इंग्लिश But you could have go easily I'm to Hollywood also. I mean, have you caught the wrong flight or what happened exactly? I mean, how you get selected in Bollywood? I really like Indian Thank food, you. So it was between burgers and butter chicken, so I chose butter chicken. So you love butter chicken? More than burgers. More than burgers. More than burgers. Right choice. And you know, we are Punjabis. Nobody is better than us in chicken. I know. We are childhood enemies. Chicken and Punjabis are childhood enemies.
Because we eat chicken. Yeah, I mean... We get it. Whatever, jo bhi hua, murga to marai. That was the point. Paji, look at her. She's such a sweet, pretty Very little cute. Doll. Very okay, cute. How you pronounce your name? Abs. Abs, which I don't have. But I do, I think. Yes. So how old you are, Abs? I'm 13. 13? Mm-hmm. And was it true? Because Ajay sir was saying, when it started the movie, you were like here. Yeah. Till we finished the movie. And luckily... Till they finished the movie? And then you came back for dubbing. And now you are here. It means movie lambi ho jati thodi si delay hai. To ye to hirin ban ke aati puri. Aur bahut cute hai. Paji itni choti si hai. To iska dhyan rakhne ke liye Kajol ma'am help karti hai aapki. Ke bacche sambhal ke aapka experience ho gaya. Ye bahut hi pyari bachchi hai aur bahut hi seedhi bachchi hai aur bahut hi zyada sensitive bachchi hai. Mujhe abhi bhi yaad hai, I think, jab aap film dekhenge to aapko pata chalega iska performance dekh ke ki kitni sensitive hai. जब ये पहली बार यहाँ आई थी मुझे याद है कि मुझे बताया गया था उस दिन इसने खाना नहीं खाया बिकॉज ये जब गाड़ी में आ रही थी जी तो कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे तो उनको देख के ये रो पड़ी और इसने रात को उस रात को खाना नहीं खाया so sweet. That is so cute. Actually, फॉरेन में आपको अगर जाओ आप तो भिखारी आपको देखने को मिलते नहीं है मतलब जो कोई भीख भी मांग रहा था ना वो भी आर्टिस्ट टाइप होता है या तो गाने गा रहा होगा या गिटार बजा रहा होगा तुझे नहीं बोला दिनेश मैं वैसे ही पर ये देख के एक्चुअली ये हंसी मजाक में हम लोग टाल देते हैं लेकिन है तो ये हमारा दुर्भाग्य ही कि हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अच्छा फ्यूचर नहीं है बेचारे सिग्नल्स पे आपको खड़े मिलते हैं सो उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारा भारत ऑब्वियसली बहुत आगे बढ़ भी रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो दुर्भाग्य है उन बच्चों का वो जल्दी ही सौभाग्य में बदले ऐसे हम ईश्वर से दुआ करते हैं सो वाज ही नाइस विद यू ऑन शूट या ही वाज लवली ही गिव यू सम चॉकलेट्स यस अ लॉट एंड टेडीज एज वेल टेडीज एज वेल सो ही नेवर शाउट्स एट यू नो बट यू नो इन इंडिया हिज इमेज इज लाइक अ लायन ही स्लैप्ड एंड 12 गाइस डाइड But I'm telling you, he's a very angry young man. In movies. Otherwise, he's very nice. Mm, yeah. He's lovable. Yeah. You also. You're so cute. Oh, thanks. Now my English is expired. Achha, Paji. अच्छा छोटी बच्ची उसको तो समझ नहीं आ रहा तो एरिका को हिंदी समझ आती है थोड़ी थोड़ी पर सच्ची सच्ची बताना एक्चुअली आपस की बात है हम चलाएंगे नहीं मतलब अभी तो काजल मैम भी नहीं चली गई फिल्म में वो जो स्टंट वाला सीन था आपका जो हीरोइन के साथ वो स्टोरी की डिमांड थी कि ऐसे खूबसूरत देख के ऐसे दिल में मैं ऐसे ही मेरी जगह अगर आप होते जी तो आप स्टोरी की डिमांड की वजह से करते हैं अब आप सामने बैठे यहाँ बता नहीं फिर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता जैसे आपने किया आपके तो एक ही थी आपको ज्यादा चाहिए ओके जोक्स अपार्ट बट या शी इज वेरी ब्यूटीफुल एरिका आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू नो इन यस्टरडेज एपिसोड मिसिज देवगन वॉज हेयर एंड वी वर स्पीकिंग अबाउट दैट सीन इन ए मूवी देर इज ए किसिंग सीन या And you know, he's the so only guy. His was first enjoy scene. I mean, his first kissing scene. I've done it on screen for the first time in my life. That's what he's trying to say. You didn't tell me before the shoot. Now I know. You never told me that. Yeah, but this is the first time I've done it and on screen. So that's what he's asking you. So I'm just asking that a shot was perfect or was not perfect. Who decided that? Because he was the director. So he... Answer him. Of course. So he said that it's a perfect shot. You can tell him how I cut the shot. No. Yeah, you can tell him that. Yes, Every I can. Shot, yeah? You can. So, okay. It was no, like going. Cut. And then again. Go.
cut, but it was more like flowing. So he said cut like this. No, no, no. He would pull away, okay. Cut. Then he's an honest man. अगर होते ना इमरान हाशमी तो वो मुंह से तो कहते नहीं, वो कहते या तो कट कहते नहीं कहते, वंस मोर. ओके चलिए, ये हमारे मेहमान हैं, विदेश से आए हैं, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है, बेसिकली मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये छोटी छोटी बातों को लेकर ट्रोल नहीं करते लोगों को कि आपने ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया. ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इन्जॉय करते हैं लाइफ को, और ह्यूमर को ह्यूमर की तरह से लिया जाए. अब बारी है शिवाय की एक और खूबसूरत एक्ट्रेस को यहां बुलाने की, तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा सायशा को. अच्छा रहा ना ये भी. सायशा आपके हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम. बाजी स्वागत नहीं करेंगे आप? देखो आसमान से उधर के एक परी आ गई, इन निगाहों के सामने ये हसीन खड़ी आ गई, आगे देख. दिए तो पहले ही जल रहे थे महफिल में यारो, अब दिलों में आग लगाने सुंदर फूल झड़ी आ गई. पता गॉड ब्लेस, यस वेलकम. फूल झड़ी आ गई है. हाँ आपको नहीं पता, आप जैसे ही फ्लाइट लैंड करेंगे अमृतसर में, आपके लिए भी मुश्किल घड़ी आ गई है. अभी आज ना शेर शायरी ज्यादा बड़ा बॉम्ब मेट कर रहा होगा. साशा कभी अपने आपको ऐसे आईने में देख के कभी आप ऐसे डायलॉग बोलती हैं कि रिश्ते में तो हम दिलीप कुमार और सायरा जी के रिश्तेदार लगते हैं, नाम है सायशा, ऐसा बोलती हैं कभी आप? नहीं बट ऐसे तो नहीं बोला. ऐसे नहीं बोला. वैसे आप सायरा जी की फैमिली की तरफ से? ये बोला कि बस कपिल के शो में आना है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. पर मैंने सुना है कि आप सायरा जी की फैमिली की तरफ से? जी अच्छा. वो मेरी मम्मी की बुआ है. अच्छा. शी इज माय ग्रैंड आंट. खूबसूरती तो बाजी सालों से चलती आ रही ना घर पे. सायरा जी, सायरा जी वी लव यू. दिलीप साहब वी लव यू. अच्छा सायशा आपने किससे एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है? एक्टिंग की स्कूल में मैं नहीं गई, मैं तो इनफैक्ट सीधा बोर्ड एग्जाम से शिवाय के सेट पर आ गई थी. अच्छा. बट डांस की मैंने ज्यादा ट्रेनिंग ली है. 9 साल की उम्र से मैं नाच रही हूँ. अच्छा 14 साल की उम्र से? 9 साल की उम्र से. तो मतलब आपको 20 साल हो गए नाचते नाचते. मैं सिर्फ 19 की हूँ. वो एजी पता करनी थी 19 की. तो एक्चुअली बातें बातें काफी देर से हम कर रहे हैं. तो इतना खूबसूरत सायशा डांस करती हैं, इन्होंने सामने से बताया, तो कुछ आई मीन आप समझ गई होंगी, कुछ ऐसे हम कोई डांस देख सकते हैं? आपको करना पड़ेगा फिर में. मुझे या तो अजय सर को करना पड़ेगा. बीट मी नाउ. अच्छा आप कर. का नाम क्या है? द कपिल शर्मा शो. डांस नाचेगा कौन? या डांस. डांस करना. कमाल है. पंजाब में क्या हाल है बाजी आजकल इलेक्शन इसका जोर चल रहा है. की भी कमाल है. देखिए आप ट्रेंड डांसर हैं, मैं आगे भी एक फिल्म करने वाला हूँ, ऐसे करियर पे फर्क पड़ता है. मैं अगर आपके साथ नाचूंगा चार लोग जो सोच रहे होंगे मुझे डांस करवाने की, वो फिर मेरे पास आएंगे नहीं. सो देयर इज ए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, करियर वाइज प्रॉब्लम. दो लेडीज कर ले. मैं एक सेकंड बाजी. हाँ. आप मतलब क्या कैलकुलेशन से आप सेंस कर रहे हो? अब तो लेडीज दो कर ले, एक तू हो जा, मतलब तीन कर लो. अच्छा ठीक है. अरे? तो यू डांस विद द लिटिल गर्ल, सायशा विल डांस. ओके कम ऑन. हैव यू एवर डांस फ्रॉम इंडियन सॉन्ग? नो बट यू कैन टीच मी. आई कैन टीच यू. सो बेबी यू आर सो इनोसेंट. अच्छा व्हिच सॉन्ग यू वांट? अच्छा आप तो हिंदी जो कौन सा गाना जो भी आप बजा दें. कोई अनूप छोटा जी का कोई अच्छा सा लगा दीजिए. बाय द वे अभी दो कमरे हिलेंगी और एक कमरा हिलेगा. अपने ऊपर ले ही ना जोक, कहाँ कमरा हिल रहा है हमारा. शी विल टीच अस.
Yeah. I will run, okay? No, you're staying here. How cute are you? He's my dance partner now. Yes. They are going to market to buy a CD. चला दो यार इंटरनेशनल आर्टिस्ट के सामने बेइज्जती करवाते मेरी कल वाले एपिसोड में कोई नहीं डिले हुआ करो क्या समझेंगे वी आर वेरी पंक्चुअल एप्स बट दिस टाइम वी हैड अ सीरियस प्रॉब्लम द गाय हु इज प्लेज द सॉन्ग ही हैज अपेंडिक्स प्रॉब्लम दैट इज अ लाई अपने देश की बेइज्जती नहीं होने देनी मैंने ही हैज सीरियस इंजरीज Really? He was recording our song. He fell down from the stage, cut down his head. We are in pain. Chalao, beishti ho rahi bachche ke saamne. Otherwise, we Indian are very punctual. Very. Liar. He said fire. We are gonna fire. Paaji, to jaane to achha impression pad raha hai. You know, sometimes we catch the criminal. Before he does crime. Because we know where is criminal. अब नहीं मेरे पास कवर करने को कुछ अब तो गाना चलाना पड़ेगा तुम लोगों को I told you ना that guy, appendix problem. Yeah. He died. He died? Now police has come. No, it would be the ambulance that comes. Yeah, but here, police comes first. Liar. To check if he's really died or he's acting. Because in this film city, you can't say what is a real man or what is... In my show, I can't say who is the real man or woman. Ready, ready, sir. He's alive. Chaliye. I tried my best. When you will go back to London, please don't tell anybody. Just say that I was the genius, okay? Thank you. Thank you. Thank you for being my partner. It's okay. Behtareen. Achha, isiliye kehte na ki seekhe aadmi ko koi dar nahi hota. To dekh lo, paaji. Born to dance. Kya baat hai? Bahut, bahut, bahut khoob perform kiya aapne. Erika. What language you speak in Poland? Polish. Polish to aapki hogi language, but acha, वैसे. So what do you say I love you in Polish? Ach, kocham cię. Same to you. Sayesha, Erika, Abs, thank you so much for coming. We had a great time with you guys. और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. शिवाय के लिए ऑल द बेस्ट और आपके फ्यूचर में जो भी आप करने वाली हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू आई सी यू टुमारो बेबी थैंक यू थैंक यू गुड नाइट आई एम रियली थैंक यू एरिका लवली मीटिंग थैंक यू सेम हियर एब्स आई डोंट वांट यू टू गो बट यू नो बट यू आर सो क्यूट गॉड ब्लेस यू थैंक यू प्रिया आइए अब वक्त है आपको उस फनकार से मिलाने का जिन्होंने फिल्म शिवाय का म्यूजिक दिया है प्लीज वेलकम द सुपर हिट म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन
बहुत बहुत स्वागत है आपका सर. कैसे आप? बहुत बढ़िया. पाजी ये बंदा छाया हुआ है इंडस्ट्री में. अच्छा. एक के बाद एक सुपरहिट गाना, मतलब खराब गाना लेते ही नहीं मार्केट में, ये मना ही कर देते हैं. तो सारे के सारे गाने सुपरहिट. इनके जोरदार तालियां इनके लिए. आइए मिथुन, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है. अब मैं जिनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, बड़े ही सुरीले गायक हैं, बड़ा ही मज़ा आता है उनकी आवाज़ को सुन के. फिल्म शिवाय में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी है. आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर कैलाश खेर. कैलाश भाई कैसे हैं आप? राम राम जी कैसे हैं आप? बढ़िया. हेलो सर. आइए जी प्लीज सर, विराजमान हो जाइए यहाँ. अच्छा भाई, जब मिथुन नए नए इंडस्ट्री में आए थे ना, जब नए नए गाने हिट होने शुरू हुए, तब मुझे पता चला कि मिथुन नाम से एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो आए हैं और बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं. पर आज भी जब कभी आपका कोई नाम ले, बताए ना कि म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं या कौन से वाले मिथुन, तो कभी लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती कि मिथुन दा आने वाले हैं? कभी आप किसी फंक्शन में बैठे हो और लोग मिथुन चक्रवर्ती साहब को ढूंढ रहे हो, ये ऐसा हुआ नहीं आपके साथ? ये तकलीफ मुझे स्कूल में हुआ करती थी. अच्छा. अब इतनी नहीं होती. तो मतलब अब काम सॉर्टेड है सारा. तो स्कूल में क्या तकलीफ होती थी? मतलब लोग चिढ़ाते थे मुझे. चिढ़ाते थे क्यों? मिथुन दा तो इतने अच्छे एक्टर हैं, चिढ़ाते क्यों थे? मुझे कहते थे वो स्टेप करके दिखाओ. जैसे मुझे लोग बोलते थे कपिल है तो बॉलिंग करके बताओ, मैं कहा नहीं आती मेरे को. अच्छा ये, हाँ एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं. मिथुन मैंने सुना आपने कोई मलेशियन फिल्म का भी म्यूजिक दिया है. जी. तो आपको मलेशियन लैंग्वेज आती है क्या? खाली करेंसी समझ में आ गई थी आपको, 5 का 100? करेंसी भी समझ में नहीं आई थी. करेंसी भी समझ में नहीं आई. नुकसान करके आ गया मैं वहाँ. एक सबसे बड़ी तकलीफ वहाँ पर थी कि मलेशियन भाषा में जी लव को, लव का जो वर्ड है उसका नाम है चिंता. ओ तो वो लोग सच बोल रहे हैं. भाषा के ऊपर मैं भी एक बात बताता हूँ. दिल्ली के हैं हम, जब बॉम्बे आए तो बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिले. झाड़, वृक्ष को झाड़ कहते हैं. हाँ. ठीक है. और उसमें भी बताने का तरीका भी फिर ऐसा होता है, इनका भाई साहब ये गोल्डन बीच सोसाइटी जानी है जुहू में, तो ये किस तरफ है? उधर से एक झाड़ गिरेगा. भाई मैं क्यों जाऊंगा उधर? अगर वहाँ तुझे पता है कि झाड़ गिरेगा तो मैं तो कभी ना जाऊँ उधर से. चैन चुराया किसने? देवर चुराया किसने? कहाँ है इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? कोई खड़ा होके आपको लपड़िया देगा अभी. और वैसा भी हमारे भैया को कोई चोरी नहीं किया है, हमारा भैया का किडनैपिंग हुआ है. किडनैपिंग? हाँ हाँ जानते हैं, इसीलिए तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं हम. इंस्पेक्टर नहीं होता है, इंस्पेक्टर होता है. तो इंस्पेक्टर के पास आए हैं तो इंस्पेक्टर होगा, उन इंस्पेक्टर के पास जाएंगे तो उन इंस्पेक्टर होगा. क्या बात कर रहे हैं? सिंघम जी नमस्ते. नमस्ते. हमारे जो हस्बैंड है ना, बिल्कुल हाफ हाफ सिंघम है आपकी तरह. वो भी ऐसा ऐसा करते हैं पता है, ऐसा. अरे वो कहा है, हमारे भैया का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि हाथ में गेंद दिया है और बोले गेंद को ऐसा ऐसा दबाते रहिए. अभी ससुरा गेंद पता नहीं कहाँ खो गया है, बिना गेंद के ऐसा ऐसा करते रहते हैं. इधर देख मिथुन जी बैठा है. हाँ हम देखे हैं. आप तो जवान होते जा रहा है दिन ब दिन. अब करके बताइए ना ये क्या बात, अब करके बताइए. मैंने कहा था आपसे कपिल शुरुआत में यही प्रॉब्लम थी. तो वो वाला मिथुन नहीं है, ये मिथुन शर्मा है. ये गाने बनाते हैं, जैसे हमारे पास कपिल शर्मा है जो बातें बनाते हैं. आप जैसा अच्छा गाना बनाते हैं उससे ही जो हमारा हस्बैंड को भी बहुत शौक है गाना का. अच्छा. बहुत गाना हमको शादी से पहले गजल गजल कहते थे. तुम्हें गजल कैसे कहते थे? हमारे भैया इनके लिए कोई गाना नहीं बनाया है, हमारे भैया इनको खाली बेवकूफ बनाए हैं बस.
खैर कैसे हैं? किसको पूछ रही है? खैर बता तो किसको पूछ रही है? तो खैर जी से पूछ रहे हैं, बैठे हैं हमारी आंखों के सामने। आप घबराइए मत, हम आपके लिए ना गोंद लेकर आए हैं। ना आपका परिंदा टूट गया है ना, हम उसके लिए गोंद लेकर आए हैं। आप बड़े आराम से उसको जोड़ लीजिए, फिर आप दूसरा गाना भी बदल के गा सकते हैं। कलाजी ये एक्चुअली मैं आपको बताया नहीं, ये जो इस तरफ वाली है संतोष है। अच्छा सर। और इधर वाली जो है ये पेरेंट्स का दोष ही है। अरे मेरे घर लोगों घर में दिवाली में लक्ष्मी आती, मेरे साड़ी पहन के उल्लू आ गए। क्यों आ गए तुम लोग? अरे उल्लू से याद आया, हमारा देवर किडनैप हो गया। अरे बड़ी बड़ी मुबारक हो आपको तो। अरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किडनैप नहीं हुए, वो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा ना। हाँ। इसने कूड़ा समझ के डस्टबिन में डाल दिया होगा। कैसे बात कर रहे हैं, हमारे भैया कोई कूड़ा नहीं है जो डस्टबिन में डाल देंगे। बहुत ही खूबसूरत आदमी है वो, ए देखिए फूल सा चेहरा है उनका, देखिए फूल सा चेहरा नहीं, मुंह पे फूलों का सहरा पहना हुआ है। पागल मान रहे तुम लोग, कैसे किडनैप हुआ था इसका? क्या हुआ कि हम घर पे बैठे थे, घंटी बजा टिंग टिंग, दरवाजा खोला तो सामने का आदमी ने चिट्ठी दिया, चिट्ठी पढ़ा लिखा, आदरणीय भौजी जी इज्जत दिया, हम आपका देवर को किडनैप कर रहा है, 2000 रुपया दो लेके जाओ। ऐसा किया तो जाके छुड़ा लो उसको। पागल है क्या, 2000 रुपया दे के उसको छुड़ाएंगे? 2000 रुपया में नया कूलर लेंगे, ठंडी हवा देगा, और किडनैप होने का भी खतरा नहीं है। अजय जी अब सब आपके ऊपर है, या तो आप हमारे भैया को वापस ले आइए या फिर 2000 रुपया दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। 2000 रुपये का कूलर मैं नहीं ले लूं। बात सेम ही है, उन्होंने भारी आवाज में बोल दिया। इतनी क्रिएटिविटी के साथ भीख मांगते हुए मैंने पहली बार देखे। लेकिन ये दिया लेके भीख क्यों मांग रहे? पता नहीं, दिवाली का दिन है। मतलब दिया तो दिया, नहीं दिया नहीं दिया। अरे कहाँ है? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, ये कहाँ है? अरे कोई भूत भैया क्या हुआ? कहाँ है ये चीज? कौन है तू? कौन है? रुक जाइए, कौन है ये? तो कौन है? अरे दिवाली का दिन गिफ्ट पैक हो गया है। अरे कौन है तू? अरे तो हमरे भैया है। अरे भैया भैया कहाँ थे आप, कहाँ थे? अरे खड़े हो जाइए भैया, भैया कौन किया किडनैप आपको? ये भौजी किया, 2000 के लिए किडनैप किया ये भौजी। तो भौजी आप इन तो हम क्या करते, तुम्हारे भैया हमको ब्यूटी पार्लर की 1 रुपया तक नहीं देते, हम किधर जाए? एक अबला जो बिना मेकअप के सुंदर लग ही नहीं सकती, बिना मेकअप के जी रही है, तो हम क्या करें? हमारी किस्मत, आपने हमारे साथ धोखा किया है। जा आप मर, अब हम आपके साथ लड़ाई करेंगे। अजय जी हमको थोड़ा सिखाइए ना, हमको इनको मारना है। उसका थोड़ा सा गिर जाए उसके ऊपर, ये भी हो सकता है। तो जफ्फी डाल दे कस के, वैसे ही हक कर ले खुशी से ही, वैसे ही मर जाएगी। क्या हुआ? ऐसा आइडिया क्यों दे रहा है उसको, वो सच में कर देगी मोटी। कहाँ है ये शस्त्र है? अब तू ज्यादा हमसे बहस नहीं कर। हम देखा आपके फिल्म में भी ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है, इसको यूज कैसे करते हैं अजय जी, सिखाइए ना। अजय जी बताइए। इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ते हैं। ये एक्चुअली शस्त्र नहीं है, ये जब पहाड़ चढ़ते हैं तो इससे चढ़ते हैं। अच्छा, जब तेरे पे कोई मैं चढ़ाई करूंगी ऐसे तभी यूज होगा। अच्छा ऐसे, ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे ऐसे मारते हैं, ऐसे बताए हैं। एक बार अजय देवगन कैलाश खेर
और मिथुन जी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। अजय भाजी बहुत मजा आया इस वीकेंड पे आपके साथ, पूरा वीकेंड इतना एंजॉय किया और समय कब निकला एक्चुअली पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू बाजी। एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट सर, प्लेजर, ऑनर ऑनर। कैलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। मिथुन जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और शिवाय देखिए, आप अपने परिवार के साथ देखिए, बड़ी खूबसूरत फिल्म है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिवाय की पूरी टीम के लिए। पाजी एक जाने से पहले सेल्फी मैं आप सबके साथ लेना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपने घरों में ऐसे ही खुश रहिए, खुशियां मनाइए, खुशियां बांटिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। For more updates, subscribe to our channel.